हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस डोरमेट की ये वाली कली हमने आपको बनाकर बता दी थी पूरी, किस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो अगर आप पूरा डोरमेट एक ही कलर में बनाना चाहते हैं तो सेम कपड़े की पट्टी से आप इसी तरह से, जैसे हमने ये कली बनाई है उसी तरह से चारों कलियां बनाकर आप ये डोरमेट कंप्लीट बना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हर कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। चार कलियां इसमें बनेंगी तो चारों कलियों में आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस डोरमेट को दो कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कली इस कलर से बना ली है, अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है और ये डोरमेट का बैक वाला साइड है। तो जब भी आप कलर चेंज करें तो आप हमेशा बैक साइड से चेंज करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे फंदे हम इसी धागे से बुन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, जितने हैं उतने ही आपको बुन लेने हैं। इस कली को बनाने की फुल वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ये डोरमेट का बैक वाला साइड है तो हमेशा बैक साइड से ही हम दूसरा कलर चेंज करेंगे। तो अब यहाँ से हम इसमें रेड कलर अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस कपड़े की पट्टी को यहाँ से कट कर सकते हैं, उसके बाद तीसरी कली में आप फिर से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे कट नहीं कर रहे हैं, यहीं पर हम इसे छोड़ देंगे और तीसरी कली में हम इसे यहीं से यूज़ करेंगे। तो दूसरी कली हम रेड कलर से बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हम ये रेड कलर अटैच कर लेते हैं। अब ये जो एंड है इसे भी हम इसके साथ में इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये सारे फंदे हमें रेड कलर से बुन लेने हैं, फंदे घटाने बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही बुन लेने हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये सारे फंदे रेड कलर से बुन लिए हैं। तो देखिए बैक साइड से जब हम कलर चेंज करते हैं तो सीधे साइड इस तरह से फिनिशिंग के साथ में ये फंदे यहाँ पर लग जाते हैं और बैक साइड में ये इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर आप सीधे साइड से कलर चेंज करेंगे, धागा चेंज करेंगे, तो इस तरह से ये डिज़ाइन फ्रंट साइड में दिखाई देगी जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया है और अब यहाँ से हम दूसरी कली बुनना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पहली कली ये वाली बनाकर तैयार करी है, उसी तरह से अब हम रेड कपड़े की पट्टी से यहाँ से दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि हमने बनाया था, चार फंदे बढ़ाएंगे, फिर चार घटाएंगे, फिर चार बढ़ाएंगे, चार घटाएंगे, फिर सात बढ़ाएंगे, सात घटाएंगे, फिर चार बढ़ाएंगे, चार घटाएंगे, फिर चार बढ़ाएंगे, फिर चार घटाएंगे। और इस साइड जैसे कि हम फंदे छोड़ते आए हैं और उसके बाद में आधी कली जैसे बुनते गए हैं, उसी तरह से हमें दूसरी कली बनाकर कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी कली भी बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम तीसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तीसरी कली हम इस कलर से बनाएंगे। तो इस कलर के कपड़े की पट्टी हमने यहाँ से कट नहीं करी थी, तो यहीं से हम तीसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सारे फंदे हम इसी कलर से बुन लेते हैं, क्योंकि ये बैक साइड है डोरमेट का तो बैक साइड से ही हमें हर बार कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही बुन लेने हैं।
तो ये हमने पूरे 30 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम वाइट कपड़े की पट्टी से हम तीसरी कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम रेड कपड़े की पट्टी को भी हम कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो चौथी कली है वो हम इससे बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हम ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ से हम ये वाइट कपड़े की पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो इससे ये 30 फंदे हम अब वाइट कलर से बुन लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सारे फंदे हमने वाइट कपड़े की पट्टी से बुन लिए हैं। तो अब यहाँ से हम तीसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने ये दो कलियाँ बनाई हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर तीसरी कली बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। और तीसरी कली कंप्लीट होने के बाद में, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाइट कलर अटैच करा है, वैसे ही हम रेड कलर अटैच करेंगे और चौथी कली भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको चारों कलियाँ बनाकर दिखा देते हैं। ये हमने चारों कलियाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। यहाँ से हमें दो दो फंदे बुनकर फंदों को बंद करना है। तो यहाँ से दो दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो ये हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से फंदे उतारते हैं। यहाँ से दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। और ये बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो ऐसे ही दो दो फंदे बुनते हुए हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं यहाँ से। तो देखिए, ये फंदे यहाँ पर बंद होते जा रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ तक ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। देखिए, हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिरी का जो फंदा है उसे हम ऐसे खींचकर लूज कर लेंगे और यहाँ पर इस पर हम गांठ लगा देंगे, जिससे कि यहाँ से फंदे खुले नहीं। तो ये हमने गांठ लगा दी है। अभी एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये डोरमेट बनाने में हमारी दो साड़ियाँ लग गई हैं और दोनों साड़ियों में से बस इतना सा कपड़ा हमारे पास बचा है और बाकी पूरा कपड़ा हमारे इसमें लग गया है। तो आप दो साड़ियों में ये डोरमेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। डोरमेट के बीच में जो स्पेस है उसको भी हम ऐसे सिलाई लगाकर अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये हमने इस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर लिया है।
इस तरह से ये हमारा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा।